ऑपरेशन डेमिंगो एक खास मिशन है। इस मिशन में हमारे अंडरकवर कॉप्स गैंगस्टर्स बनकर क्राइम सिंडिकेट्स में गैंग्स में घुस गए हैं। और ये पैंट तुम्हें कहां से मिली? क्योंकि क्राइम स्पॉट पर मुझे तो ऐसी कोई पैंट नहीं मिली। सीआईडी के बेकसूर ऑफिसर्स मारे जा रहे हैं और आपकी मदद से हम उन्हें बचा सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? दया का फोन मेरी पैंट में, आपकी जान खतरे में। शहर में जितने भी चेक नाके हर जगह पता किया, ना ही एसीपी सर का पता लगा और ना ही दया सर का। एसीपी का तो पता नहीं लगा, लेकिन दया का पता लग गया। पता चल गया? कहाँ है वो? जी, उन्हें कुछ गुंडे उठाकर कहीं कैद करके रखे हुए हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। ये डॉक्टर प्रमोद, गुंडे ने जबरदस्ती उठा करके ले गए थे। एक्चुअली दया की पीठ में गोली लगी थी जो गुंडों ने इनसे निकलवाई थी। दया सर को गोली लगी थी? अभी दया कैसा है? खतरे से बाहर है? कुछ कह नहीं सकते। मैंने गोली तो निकाल ली है, पर वहाँ का माहौल जिस तरह का है, किसी भी मरीज के लिए वो ठीक नहीं है। आपको कुछ तो याद होगा डॉक्टर साहब, कहाँ है उन गुंडों का अड्डा? उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी तो मैं कुछ देख नहीं सका। वहाँ जाने के बाद तो पट्टी खोली होगी ना, वहाँ पे देखा होगा उनको? उनके चेहरे याद है आपको? जी, चेहरा देखा हुआ है। वेरी गुड पंकज, इसके जाके इसको बुलाओ जल्दी से। अभिजीत, वो मैं तुमसे आई। सर, आप यहाँ पे? हाँ, मैं यहाँ पर। अच्छा तारिका, पेट पर जो ब्लड लगा था उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई? हाँ। तो वही बताने आई होगी ना तुम अभिजीत सर को, या फिर तुमने पहले ही बता दिया होगा? अपने बॉस को डॉक्टर सालूके को बताना कतई जरूरी नहीं समझा। नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। क्या है उस डीएनए रिपोर्ट में? वो ब्लड सैंपल किसका है तारिका? दया का। अच्छा वो पेंट जिस पर ये ब्लड था, वो पेंट किसकी? ये कैसे हो सकता है? दया का खून मेरी पैंट में, अभिजीत की। अब इतने दूर आए हैं तो ऐसे ही टाइम बेकार थोड़ी जाने दूंगी मैं। वाह बीवी जी वाह, इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। केतन, बहुत प्यास लगी है, नारियल पानी पीते हैं, चलो ना। केतन, अरे नहीं, क्यों, चलो ना प्लीज। केतन, बाकी शॉपिंग ना किसी और दिन करते हैं, चलो घर चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे अभी केतन शॉपिंग किसी और दिन क्यों? समझो ना यार, मेरा पेट खराब है, प्लीज। नहीं, अभी समझा करो, मैं कह रही हूँ ना अभी चलते हैं, प्लीज मानो बात। केतन, कहाँ थे तुम? केतन कौन है ये? मुझे क्या पता, मैं नहीं जानता। तुम मुझे नहीं जानते, अपने सिमी को नहीं जानते? केतन देखिए बहन जी, आपको कोई गलत फहमी हो गई है, ये केतन नहीं है, ये मेरे पति जय है। मुझे अपने पति को पहचानने में कोई गलत फहमी नहीं हुई, ये मेरे केतन है। शायद आपके पति की शक्ल मेरे से मिलती होगी, मेरा नाम तो जय है, जय धन किशोर। ये देखिए मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। तुम पुलिस वालों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस झूठे बनाना बहुत आसान है, मैं सब जानती हूँ, पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पुलिस? बहन जी, ये पुलिस में नहीं है, ये तो मार्केटिंग मैनेजर है। ये मार्केटिंग मैनेजर नहीं, मेरे पति हैं, एक पुलिस ऑफिसर। 6 साल पहले केस की ड्यूटी के लिए गए थे और आज तक वापस नहीं लौटे। 6 साल पहले? हाँ, आपकी शादी कब हुई? 5 साल पहले। तुम मुझ पे शक कर रही हो, और वो भी इस अजनबी औरत के कहने पे। चलो केतन, केतन रुको, केतन।
अभिजीत की पैंट पर दया का खून। तीन तीन बार टेस्ट करवाया गया लेकिन नतीजा वही। और इसीलिए तुमने वो पैंट चुपचाप तारिका को दे दी, क्योंकि तुम्हें मालूम था कि उस पैंट पर दया का खून लगा हुआ है। अगर मुझे पता होता कि मेरी पैंट पे दया का खून है तो मैं उसे टेस्ट करने के लिए देता ही क्यों? आप लोगों को ही ये तो नहीं लग रहा है कि दया की हालत का जिम्मेदार मैं हूं? चलो ठीक है, मान लिया। अगर तुम जिम्मेदार नहीं हो तो चोरी छुपे वो पैंट तारिका को देने का क्या मतलब? वो पैंट तुम डायरेक्ट मुझे भी दे सकते थे। दे सकता था सर, लेकिन आपकी आंखों पे मेरी खिलाफत का चश्मा चढ़ा रहता है। मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं आप, इसलिए आपको वो पैंट नहीं दी थी मैंने। और इसीलिए सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, आपने ये भी नहीं बताया कि जिस वक्त दया जख्मी हुआ आप खुद वहां पर मौजूद थे। बता देता अगर मुझे याद होता तो। मुझे अब भी याद नहीं है कि उस रात क्या हुआ था। वैसी आपको याद ही नहीं है कि उस रात क्या हुआ था? सालूम के साहब, हम लोग अभिजीत सर और दया सर की दोस्ती की कसमें खाते हैं और आप उन पे इतने गंदे इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ सर, अभिजीत सर अपनी जान दे देंगे लेकिन दया सर पे खरोच नहीं आने देंगे। ओ चलो ठीक है, मान लेता हूँ, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। सॉरी, मैं मान लेता हूँ कि दया आज जिस हालत में है उसका जिम्मेदार अभिजीत नहीं है, लेकिन मैं ये बात मानने को कतई तैयार नहीं हूँ कि जब दया घायल हुआ अभिजीत वहां था तो भी उसे कुछ याद नहीं। कोई तो ऐसी बात होगी जो अभिजीत के दिमाग में घुस गई होगी, कुछ तो, इट्स इम्पॉसिबल, कुछ भी याद नहीं। डॉक्टर साहब, मेरी दुखती हुई नस पे नमक मत छिड़किए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरी याददाश्त। जानता हूँ अभिजीत, याद दिलाने की कोशिश मत करो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब जब सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत मुसीबत में होते हैं उनके पास अपने बचाव के लिए बहुत शानदार हथियार होता है, उनकी याददाश्त। प्लीज सालूके सर, आप अभिजीत की इंटेग्रिटी। होल्ड ऑन डॉक्टर तारिका, इंटेग्रिटी का पाठ आप मुझे मत पढ़ाइए। आपने सीआईडी का सबसे बड़ा नियम तोड़ा है, हम लोगों से इतना इंपॉर्टेंट सुराग छुपाने का, अंडरस्टैंड दैट? इंटीग्रिटी सर, उस रात की कोई ऐसी बात जो आपको याद हो, कुछ भी? मैं तेजा के पीछे भाग रहा था, वो भाग के गाड़ी में बैठ गया, फिर किसी ने उसे गोली मार दी और गाड़ी से बाहर फेंक दिया। जब मैं भाग के तेजा की लाश के पास पहुंचा तो किसी ने मेरे गर्दन के पीछे कुछ सुई जैसी कुछ, फिर मैं बेहोश हो गया। और दूसरे दिन जब आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं एक सड़क के ऊपर गिरा पड़ा। इस बीच क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था ये पता चल जाएगा इस गोली के जरिए। वो गोली है जो दया की पीठ में से निकाली थी डॉक्टर प्रमोद ने, और इस गोली की बैलिस्टिक रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि दरअसल ये गोली किसकी गन से चली है। तारिका, कम इतना। डॉक्टर प्रमोद, एक मिनट, आपको स्केच बनवाने हैं और मुझे आपसे कुछ सवालों का जवाब चाहिए। जी पूछिए। डॉक्टर साहब, आपको उन गुंडों ने कहाँ से किडनैप किया था? प्रताप नगर से। और फिर आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी? जी, और उसके बाद गाड़ी में बिठाकर उनके अड्डे तक लेकर गए। अड्डे तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा होगा, कुछ याद है आपको? 40-45 मिनट। 40-45 मिनट,
कितने बजे की बात है ये? रात के तकरीबन 10:30 बजे की। 10:30 बजे रात? उस वक्त तो प्रताप नगर में ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, सड़कें खाली रहती है। श्रेया, शहर का मैप लेकर आओ और उन सभी जगहों की लिस्ट बनाओ जहां पे प्रताप नगर से 45 मिनट में पहुंचा जा सकता है। श्रेया, क्या बात है, शहर का मैप लेकर आओ जल्दी। सॉरी सर, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। Excuse me. I can't believe this, Maya. तुम्हें अपने पति की बात पे विश्वास नहीं है, लेकिन उस अनजान औरत की बात पे पूरा भरोसा है। एक औरत दूसरी औरत की आंखों में झांककर देख सकती है कि वो सच कह रही है झूठ, और उसकी आंखों में सच्चाई थी, उसके आंसू झूठे नहीं थे। माया, उसने 2-4 आंसू के बाद ही वो सच्ची हो गई, और मुझे रोना नहीं आता तो मैं झूठा हूँ? सच बताओ, बताओ सच की कितनी बीवी है तुम्हारी, और बताओ मुझे। अरे मुझसे एक तो समझ नहीं रही, मैं और रख के क्या करूंगा? वो तो आज मेरा नसीब अच्छा था कि मार्केट में तुम्हारी पोल खुल गई, और जिंदगी भर में यही सोचती रहती कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ माया, ये बात सच है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। माया, तुम बता दे क्यों नहीं हो सच अपने बारे में, अपने अतीत के बारे में कुछ बता दे क्यों नहीं हो मुझे। माया, सब कुछ तो तुम्हें पता है कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, तो तुम्हारे अलावा है कौन मेरा? और तुम्हारा काम पुलिस में हो या मार्केटिंग मैनेजर हो? मार्केटिंग? माया, सब झूठ। मुझे तुम्हारे ऑफिस जाना है, बस। आई डोंट केयर, मुझे तुम्हारे ऑफिस जाना है। ठीक है ठीक है, ऑफिस जाना है। मैं तुम्हें अगले हफ्ते अपने ऑफिस लेके चलूंगा। खुश? क्यों अगले हफ्ते क्यों? हाँ, तो कल क्यों नहीं? क्योंकि मैं कहती हूँ कल नहीं, मुझे आज अभी इसी वक्त तुम्हारे ऑफिस जाना है। सच्ची में एक हद होती है यार। I'm sorry, ma. ऑफिस लेके चल। झूठ बोलने की भी हद होती है जय, उसके तर। अब जब तक मुझे सच्चाई नहीं बताओगे, तब तक मुझसे बात करने मत आना तू। Why listen to me, Maya? सुनो माया, 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 ओपन द डोर माया। मिशन का काम रोक दो और इसी वक्त चले जाओ यहाँ से। नहीं सर, सर मैं इस मिशन को अपनी जिंदगी के 6 साल दे चुका हूँ। सर प्लीज सर, आप भी इस मिशन को मत रोकिए। सर मैं इसे पूरा करने के बहुत करीब हूँ। तुम समझते क्यों नहीं हो केतन, तुम्हारी जान को कितना बड़ा खतरा है पता है तुम? और फिर मैं अपने और ऑफिसर की जिंदगी को कुर्बान नहीं कर सकता। 4 बजे मुझे गुलमोहर बस स्टॉप पे मिलो, दैट्स एन ऑर्डर, समझे? सर प्लीज सर, सर प्लीज सर। कुल मिला के 4 ऐसे इलाके हैं जो प्रताप नगर से 45 मिनट की दूरी पे हैं। ये है वीके रोड, जहाँ पे कॉल सेंटर्स और ऑफिसेज वगैरह हैं। ये तो वो जगह नहीं हो सकती, ये पश्चिम में श्याम नगर है सर, यहाँ पे ज्यादातर फ्लैट्स हैं। डॉक्टर साहब, आपको अच्छी तरीके से याद है जहाँ पे आपको ले गए थे वो जगह बंगलो या फ्लैट नहीं थी? जी, खंडर जैसी कोई जगह थी। अब बचता है साउथ और ईस्ट। ये साउथ में चित्रकूट नगर है और ईस्ट में विद्याधर नगर। चित्रकूट नगर में तो बहुत सारी दुकानें वगैरह हैं, और विद्याधर नगर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडियोज हैं, फिल्म की शूटिंग होती रहती है। अरे श्रेया, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू। श्रेया, चाहो तो तुम घर चली जाओ और आराम कर लो, तब तक हम लोग ये सब पता लगाते हैं। नहीं सर, जब तक दया सर और एसीपी सर का पता नहीं चल जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा। ओके ठीक है, मतलब दया या तो विद्याधर नगर में है या फिर चित्रकूट नगर में है। डॉक्टर साहब, आपको जहाँ ले गए थे आसपास से कुछ आवाजें आ रही थी, आपने कुछ सुना था वहां पे? हाँ, एक गाना था जो बार बार सुनाई दे रहा था, ये कहिए कि हर आधे घंटे के बाद वही गाना बज रहा था। इसका मतलब आसपास कहीं फिल्म की शूटिंग चल रही थी, मतलब विद्याधर नगर। विद्याधर नगर, करेक्ट, फिल्म स्टूडियोज वहीं पे है। ये पता लगाओ कि विद्याधर नगर में वो कौन सा स्टूडियो है जहां पे इस गाने की शूटिंग हो रही थी। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रहन कहां जो
सोवत है ओले 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 दया बेटा उज्जा 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 सुबह हो गई स्कूल जाने का टाइम हो गया अच्छे बच्चे नहीं सोते उठ जा उठ जा उठ जा कौन हो तुम लोग सीआईडी के दुश्मन और मुजरिमों के दोस्त देखो 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 कैसे तड़प रहा है पिंजरे में बंद शेर की तरह एक बार जंजीर खोल दे फिर देख तुम लोगों का क्या हाल करता मैं ना 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 हमें मरना है क्या शेर से पंगा लेके अरे हम तो बस इतना बताने आए थे कि तुम्हारे साथ साथ अब तुम्हारी पूरी सीआईडी टीम का सर्वनाश होने वाला है सर्वनाश चुप बहुत देख के तुम जैसे सीआईडी का सर्वनाश करने वाले आज वो लोग कहाँ हैं किसी को पता नहीं तुम हमें इतना मूर्ख और कमजोर मत समझो क्योंकि हमारा बॉस इतना चालाक है कि सीआईडी के पूर्वज भी उस तक पहुंच नहीं पाएंगे एक बात सुन बॉस से कह दे कि उल्टी गिनती शुरू कर दे वो नहीं बचेगा वो क्या बात है यार तुम सीआईडी वालों की यही अदा हमें बहुत पसंद है मौत के मुंह में बैठ के भी डायलॉग मारना नहीं छोड़ते दया तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा अलविदा इसी स्टूडियो में चल रही थी हाँ सर यही है वो विराज स्टूडियो तेरे को यही कहीं रखा गया होगा मतलब सर दया सर यहीं पे थे ये जंजीरें इन जंजीरों से बांध के रखा गया था मेरे दोस्त को एक बार ये भेड़िया मिल जाए सो ये चाय का ग्लास मिला है चाय अभी तक गर्म है सर चाय गर्म है इसका मतलब वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे लगता है यहाँ पे कुछ हुआ है हटिए प्लीज साइड लीजिए प्लीज हम लोग सीआईडी से सो देखिए ना किसी ने ऋतु का कत्ल कर दिया कैसे हुआ ये सर पता नहीं सर हम सब लोग तो शूटिंग में लगे हुए थे तभी अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी और यहाँ आकर देखा तो ऋतु की लाश कितने देर पहले चली गोली सर यही कोई आधे घंटे पहले सर सर हमने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया सर ठीक आप लोग थोड़ा पीछे चले जाइए थोड़ा एग्जिट गुंड है माथे पे गोली लगी होगी तो 2-3 सेकंड में बेचारी मर गई होगी गोली लगी और आर पार जरा चेक करो आसपास देखो गोली इस डायरेक्शन में कहीं मिलती है क्या ये बेचारी यहां ऐसे बैठी थी पीछे से किसी ने गोली मारी और ऐसे गिरी और ये जख्म ये क्या चक्कर है विक पहनी हुई थी इसने
कहाँ पर हुई? गोली मिल गई। राइफल की गोली लगती है। रख लो इसे। ये विग पहनती थी क्या? जी नहीं सर, वो एक्चुअली मेरी हेयर ड्रेसर थी और मेरे विग्स वगैरह सब कुछ वही संभालती थी। जो विग उसने पहना है ना, वो मेरे नेक्स्ट सीन में यूज होने वाला था। रितु ने आपके विग पहने हुए थे? जी सर। दुष्यंत समझे, जब रितु को गोली मारी गई तो खूनी ने उसका चेहरा नहीं देखा, गोली पीछे से मारी गई है। और जब रितु को गोली लगी तब उसने इनका विग पहन रखा था। मतलब गोली पे रितु का नहीं, आपका नाम लिखा था। क्या? जी हाँ, आपकी जान खतरे में है। ये देखो, 0.338 कैलिबर की गोली है ये, जिससे रितु को मारा गया है, जो सिर्फ स्नाइपर राइफल से चलाई जा सकती है। तो सलूम के साथ ये इसके सिर पे दो लाल निशान क्या हैं? ये लाल निशान एंट्री और एग्जिट वुंड है। रितु की खोपड़ी में गोली यहाँ से घुसी और यहाँ से बाहर निकली। ये एग्जिट वुंड एंट्री वुंड से आधा इंच करीब नीचे है, मतलब गोली ऊपर से नीचे की तरफ आई है। जी हाँ, गोली रितु की खोपड़ी में यहाँ से घुसी और यहाँ से बाहर निकलकर सीधे वैनिटी वैन के फुटबोर्ड पे जाके अटक गई। और हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से गोली चली है यहाँ से, ऐसे। गोली लगभग 2-3 मंजिल की ऊंचाई से चलाई गई है। काफी कुछ पता लगा लिया सर आपने। हाँ, रितु के केस में तो मैंने काफी कुछ पता लगा लिया है। काश मैं ये भी पता लगा पाता कि दया और हमारे बाकी अंडरकवर ऑफिसर्स के साथ क्या हुआ था। मगर अफसोस, जो व्यक्ति ये बात बता सकता है वो बताना ही नहीं चाहता है। क्या मतलब है आपका बताना नहीं चाहता? याद होगा तो बताऊंगा ना, आपको तो बस बहाना चाहिए मेरे पीछे पड़े रहने का। नहीं अभिजीत, सालू के कभी किसी पर बेवजह इल्जाम नहीं लगाया करता है। मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया है। बस अब मुझे इंतजार है किसी ऐसे सुराग का जिससे ये पता लगाया जा सके कि दया के साथ क्या हुआ था। That's it. देखा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि शूटर। साहब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, पिछले एक हफ्ते से यहाँ कोई शूटिंग नहीं हुई, तो यहाँ किसी का आने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब पिछले एक हफ्ते से तुम्हारे अलावा स्टूडियो में कोई नहीं आया? जी नहीं साहब। मतलब गोली तुमने चलाई? मैं गोली कैसे चला सकता हूँ? मुझे तो दिवाली के पटाखों से भी डर लगता है। तो फिर ठीक से सोच के बताओ, कोई ना कोई तो गया था दूसरे माले में। हाँ साहब, एक प्लम्बर आया था वो पाइप ठीक करने के लिए दूसरे माले पे। जी चलो जरा ऊपर चलिए। किस तरफ? ये साइड। यहाँ से रितु वहां पे थी और शार्प शूटर ने गोली शायद यहां से चलाई होगी। सर, सलवनिया पर गोली ही चलाई गई है, गिरा उस गोली का शेल। तुम साहब
साहब इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है साहब। सब प्लीज मेरी शिकायत मत करना साहब, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी साहब। प्लीज फिक्र मत करो। अच्छा ये बताओ कि उस प्लम्बर का चेहरा देखा था तुमने, स्केच बनवा सकते हो? साहब वो क्या है ना कि मुझे बिना चश्मा के ठीक से दिखाई नहीं देता, और वो जिस वक्त आया उस समय मेरा चश्मा कहीं खो गया था और मैं इसी चश्मे को ही ढूंढ रहा हूँ। इस लावानिया का कोई ना कोई दुश्मन तो जरूर है, वरना कोई उसे मारने की कोशिश क्यों करता? इस लावानिया की कुंडली निकाली है सर, इसकी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। हाँ सर, उसकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, तो ऐसा भी नहीं था कि किसी दूसरी हीरोइन ने ईर्ष्या से या जलन से उसे मरवाने की कोशिश की हो। लावण्या ज्यादा अमीर भी नहीं थी, तो पैसों के लिए भी हमला होगा ऐसा लगता नहीं है। तो हो सकता वाकई में ये गोली रितु के लिए चली हो, लावण्या के लिए नहीं। रितु के बारे में तुम लोगों ने इन्फॉर्मेशन निकाली है? हाँ सर, रितु की भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो हमारी निगाह से छुपी हुई है। लावण्या के बारे में जितने भी आर्टिकल्स वगैरह हैं ना, इनमें कोई ना कोई ऐसी बात हमें मिलेगी जो उस जानलेवा हमले से जुड़ी हुई है। सर सर, ये 3 दिन पुराना पेपर है, इसमें न्यूज है कि लावण्या का सामान चोरी हुआ था ब्लू ईव रिजॉर्ट से। लावण्या के सामान की चोरी ब्लू ईव रिजॉर्ट? यही रूम है सर। इसी कमरे से आपके सामान की चोरी हुई थी? जी हाँ सर, पर कुछ खास सामान नहीं था, यही कुछ 1,500-2,000 रुपए और नकली ज्वेलरी। और पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला यहाँ से? नहीं सर। और चोर अंदर आया कहाँ से? खिड़की से, एसी डक से या फिर दरवाजे से आया था? पुलिस के मुताबिक उसने चाबी का इस्तेमाल किया था अंदर आने के लिए। और ये कमरे की चाबी किस किसके पास थी? एक मेरे पास और एक इन लोगों के पास। तो मतलब होटल के किसी अंदर वाले का भी काम हो सकता है? मैडम आप कैसी बातें कर रही है, 15 साल पुराना होटल है हमारा, हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से इसकी गुडविल बनाई है, पर हमारे होटल का कोई आदमी ऐसा नहीं कर सकता। या तो ये काम किसी होटल वाले ने किया है, या फिर किसी बाहर वाले ने चाबी चुरा कर उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवा ली है, और इन दोनों ही सिचुएशंस में आपका होटल जिम्मेदार है, समझे आप? रहने भी दीजिए ना सर, कहाँ इन छोटे मोटे सामान के लिए आप इन लोगों को परेशान कर रहे हो। लावण्या जी, हम ये पूरी कार्रवाई आपके सामान के लिए नहीं बल्कि उस आदमी को पकड़ने के लिए कर रहे हैं जिससे आपकी जान को खतरा है। क्योंकि हमें लगता है इस चोरी का संबंध आपके ऊपर हुए जानलेवा हमले से हो सकता है, इसलिए जरा ठीक से याद करके बताइए, और कोई खास सामान या कोई कीमती चीज जो चोरी हुई थी? हाँ, मेरा तो नहीं, मगर मेरी हेयर ड्रेसर ऋतु का सामान चोरी हुआ था, और उसके बाद वो अचानक से उसका मूड खराब हो गया और वो बहुत रो रही थी। ऐसा क्या सामान चोरी हो गया उसका? एक अजीब सा शोपीस था। शोपीस? हाँ, मुझे भी हैरानी हो रही थी कि एक शोपीस के लिए वो इतने आंसू बहा रही है, और मैंने उसे कहा भी कि मैं एक नया शोपीस ला दूंगी उसके लिए, पर शायद वो शोपीस उसके लिए कीमती था। बहुत महंगा शोपीस था क्या? नहीं नहीं, चपोलिया बाजार में जो चाइनीज सामान की दुकान है ना, वहीं से लिया था, होगा कुछ 700-800 रुपए का। चपोलिया बाजार में चाइनीज सामान की दुकान? CID? एक खून के सिलसिले में आपसे पूछताछ कर रही हूं। किसका खून हो गया? ये रितु है, फिल्म इंडस्ट्री में हेयर ड्रेसर का काम करती हैं। कुछ याद आया? मैंने तो इसे नहीं देखा कभी। शनिवार को ये आपकी दुकान पे आई थी, इन्होंने एक मूर्ति खरीदी थी, इस जैसी मूर्ति थी। शनिवार को तो मैं छुट्टी पे था। हाँ, सुशांत दुकान संभाल रहा था।
क्यों सुशांत, तुमने देखा था इन्हें? हो सकता है यो, शनिवार का दिन बहुत बिजी दिन होता है ना, बहुत से लोग आते हैं, कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा जरा वो मूर्ति दिखाना। वो वाली भी। ऐसे और कितने पीसेस हैं आपकी दुकान पे? यही कोई 15-20 पीस होंगे। क्यों सुशांत जी, ये इन दो बॉक्सेस पे ये क्रॉस के निशान क्यों लगे? अरे वो तो डिफेक्टिव पीस है, इन्हें फैक्ट्री वापिस भेजना है, किसी काम के नहीं आपके। वो अभी पता चल जाएगा। दिखाओ इधर, दिखाओ। ये सब ड्रग्स का चक्कर है, रितु को भी ऐसी शोपीस बेचा था। सुशांत, तुम मेरी दुकान में ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे? बंद करो अपना ये नाटक, चलो अरेस्ट कर लो इन्हें। आइए सर, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ नहीं किया। आइए चलिए मेरे साथ, आइए आइए, हमें दूर करते हैं। सर आपको गलतफहमी हुई है। He's dead. सर इतना तो तय है, रितु की मौत का संबंध इस ड्रग्स की तस्करी से है। हाँ पूर्वी, मगर इस ड्रग्स के रैकेट के पीछे है कौन? Thank you.
क्या हुआ सर, इतना अर्जेंट बुला लिया? जय, तुम्हारी जान को खतरा है। तुम सब लोगों के बारे में किसी को पता चल गया है, वो एक एक करके मारे जा रहा है। ये कैसे हो सकता है सर, आखिर ये खबर खोली किसने? वही तो समझ में नहीं आ रहा है, वही तो पता लगाना है। तुम एक काम करो, इसमें भोपाल की टिकट है और 10,000 रुपये है, जल्दी से निकल लो यहाँ से। जाओ निकल लो जल्दी। जय, जय क्या हुआ? जय, जय माय गॉड। मेरा एक और अंडरकवर कॉप मर गया, एक और सीआईडी ऑफिसर मर गया और मैं उसे बचा नहीं पाया। सर का फोन क्यों नहीं लग रहा है? श्रेया, दया सर भी वापस आ जाएंगे जैसे अभिजीत सर वापस आ गए। सर कैसे वापस आ जाएंगे, हमें ये भी नहीं मालूम कि दया सर कहाँ है। सर ना दया सर का पता लग रहा है ना ही एसीपी सर का। श्रेया, वो लोग सीआईडी ऑफिसर्स हैं, हजारों बार ऐसे तूफान से गुजर चुके हैं, जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे वो लोग। सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने खून देखा था ना, कितना सारा खून पड़ा हुआ था वहाँ पे, और वो गोली जो दया सर की बॉडी से निकली हुई थी। हाँ श्रेया, मैंने सब कुछ देखा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सीआईडी ऑफिसर्स नहीं मरते। सर आप ठीक तो है ना? सर कल से आपका फोन नहीं लग रहा था। हाँ, मैं किसी जरूरी काम में उलझ गया था, कोई टॉप सीक्रेट काम था जो किसी को भी बता नहीं सकता था, तुम लोगों को भी नहीं। सर वो क्या? सर दया सर का कुछ पता नहीं चल पा रहा। दया सर का कुछ पता नहीं है मतलब? सर दया सर गायब है। तो गया कहाँ वो? पता नहीं सर, उनका फोन भी नहीं लग रहा। और सर उन्हें गोली भी लगी है। दया को गोली लगी है? एक मिनट, ये सब तुम लोगों को कैसे पता? सर अब सलम के साथ बता रहे थे कि दया सर की बॉडी से एक डॉक्टर ने गोली निकाली और चुपके से लाके उनको दी। दया की बॉडी में से गोली निकाल कर उसने सलम के को भेज दी गोली। अभिजीत कहाँ है? सर अभिजीत सर भी गायब थे, अभी 3 घंटे पहले वापस आए। और तो और सर, अभिजीत सर की पैंट पे दया सर का खून लगा हुआ था। अभिजीत गायब था, 3 घंटे पहले वापस आया और उसके पैंट के ऊपर दया का खून, और उन्हें कुछ याद नहीं है सर। और उन्हें कुछ याद नहीं, फिर वही बात। ये अभिजीत जब भी कभी मुसीबत में पड़ता है, इसकी याददाश्त चली जाती है। ये हो क्या रहा है सीआईडी में? हमारे तीन अंडरकवर ऑफिसर मारे गए, उनके बारे में मेरे अलावा और किसी को भी कुछ भी पता नहीं था, फिर भी उनके नाम भी पता चल गए बाहर, कैसे? सर अगर ये बात सिर्फ आपको पता थी तो फिर? वही तो मैं कह रहा हूँ सचिन, वही समझ में नहीं आ रहा है, ये सब हुआ कैसे, कैसे हो रहा है ये? इसका एक ही मतलब है सचिन, हमारे बीच में कोई तो है जो हमसे गद्दारी कर रहा है, हमसे गद्दारी कर रहा है, कोई गद्दार है। सर एक बात और, एक हेयर ड्रेसर का खून हो गया सर। हेयर ड्रेसर? हाँ सर, शूटिंग के दौरान उसका खून हुआ। सर लगता है ये खून ड्रग्स की वजह से हुआ है। और सर छानबीन के दौरान एक आदमी तक पहुंचे भी, लेकिन बाद में वो भी मारा गया। और सर उसकी जेब से हमें ये कागज मिला है, सर इसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। 18563-72459, 18356-72345। सच्ची में कोई सेल फोन नंबर या फिर टेलीफोन नंबर्स भी नहीं हो सकते, ये नंबर्स कुछ और ही है, ये नंबर्स कुछ और ही है। क्या नंबर्स हो सकते हैं ये? असंग, अरे ये लोग तो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा ऑफिसर तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहे। मैं कहां गया था उनको पता है,
अब तू बता, ऐसी कौन सी बात है जो तू मुझे फोन पर नहीं बता सकता था? तदिमन ये बात हम दोनों अकेले में नहीं कर सकते। क्यों? ऐसी क्या बात है जो तू इन सबके सामने नहीं बता सकता? कर सकते हैं, लेकिन डरता हूं। डरता हूं कि जिस आदमी को ये लोग अपना हीरो समझते हैं, जिसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, सपने देखते हैं, कहीं वो खुद आज इन लोगों की नजरों में गिर न जाए। घुमा फिरा के बात करना बंद कर सारुंखे, और साफ साफ बता, सबके सामने बता। ठीक है, साफ साफ बोलता हूं और इन सबके सामने बोलता हूं, लेकिन जो मैं बताऊंगा उसे सुन करके ये मत सोचना कि मैं किसी से बदला ले रहा हूं या किसी के साथ दुश्मनी निकाल रहा हूं। क्राइम स्पॉट की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। क्या लिखा है रिपोर्ट में? पहली गोली चली कल्लू पर, अभिजीत की गन से, हमारे अंडरकवर कॉप पर। जी हाँ, और इतना ही नहीं, दूसरी गोली लगी भीकू को, दया की गन से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभिजीत और दया सर भीकू और कल्लू को इस तरह से कुर्सी पे बांध के गोली नहीं चला सकते सर। मेरे बैलिस्टिक रिपोर्ट कभी झूठ नहीं बोलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जिसकी वजह से मैं इन लोगों को बाहर जाने के लिए कह रहा था। अभिजीत का फोन है। अभिजीत कहां हो तुम? अभी इसी वक्त फोरेंसिक लैब में चले आओ। फोरेंसिक लैब? क्यों सर, क्या हुआ? अभिजीत, तुमने गोली चलाई कल्लू पर? कल्लू को गोली? मैंने? सर मैं एक बेसहारा पर गोली क्यों चलाऊंगा? अभिजीत, तुम अभी इसी वक्त फोरेंसिक लैब चले आओ, एंड दैट्स एन ऑर्डर। सर ये बात सुनके जितना धक्का आपको लगा उतना मुझे भी लगा है। जब तक मैं ये पता नहीं कर लेता कि उस रात क्या हुआ था, मैं नहीं आऊंगा सर। तो क्या तुम मेरे खिलाफ जाओगे? सर मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ सर। सर वही कर रहा हूँ जो आपने हमेशा सिखाया है, CID की ड्यूटी सर। अभिजीत, मना कर दी? आपके ऑनेस्ट, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट ऑफिसर ने आपका ऑर्डर मानने से मना कर दिया एसीपी साहब? मैं जानता था प्रद्युमन, ये अभिजीत एक न एक दिन पूरी CID टीम के लिए वो मछली साबित होगा जो पूरे के पूरे तालाब को गंदा कर देती। इस अभिजीत की वजह से पूरी की पूरी CID टीम बदनाम हो रही है। कलंक है, अभिजीत CID टीम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है, कलंक। बस कीजिए सर, बस कीजिए। कितना भला बुरा बोलेंगे आप? मैं बस कर दूं? मैं तो बस कर दूंगा तारिका, लेकिन ये रिपोर्ट, इसका क्या करोगी? ये बस नहीं करेगी तारिका, ये बस नहीं करेगी बॉस। जानते हो इस रिपोर्ट में क्या है? क्या है उस रिपोर्ट में? दया पर गोली किसने चलाई? किसने मारी सारुंखे? किसने मारी गोली? प्रद्युमन, दया पर गोली तुम्हारे ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट ऑफिसर अभिजीत ने चलाई है। क्या? दया अभिजीत की गोली का शिकार हुआ है प्रद्युमन, अभिजीत ने गोली चलाई है दया पर। अभिजीत ने? हाँ, अभिजीत ने दया को गोली मारी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.